नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप अपने सीपीयू को किस तरह डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैबिनेट खोलना होगा। यह कैबिनेट, ये बहुत सारे वायर्स। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना होगा कि आपको एसएमपीएस से जितने भी तार निकल के आ रहे हैं और ये ड्राइवर या हार्ड डिस्क में जा रहे हैं, तो आपको इसे निकालना होगा। तो सारे तार को निकाल देने के बाद और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इसे भी आपको निकालना है। यूएसबी ऑडियो साटा केबल्स, और सबसे पहले आपको एसएमपीएस निकालना होगा। तो ये बात का ध्यान रखें कि आप अपने स्विच ऑफ रखें और प्लग को भी निकाल के रखें। तो सारे स्क्रूज को खोल लें। और इसे धीरे से तो आप पीछे की तरफ पुश करें और साइड ऊपर खींच लें। ट्वेंटी फोर किंच का साइज रह गया, ये 24 पिंच। तो इसे आप हल्का सा जोड़ लगाएं और ये निकल जाएगा। तो एसएमपीएस मेरा निकल गया। अब बारी है हार्ड डिस्क की, सॉरी मदरबोर्ड की। दोस्तों ये फ्रंट पैनल की कनेक्शन भी आपको निकालना है। जैसे खींचा और निकल गया, और उसके बाद आपको मदरबोर्ड के सारे स्क्रूज निकालने होंगे। यहाँ एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो निकाल लेते हैं। तो सारे स्क्रूज को निकालने के बाद आप मदरबोर्ड को ऊपर की ओर खींच लें। तो ये मैंने निकाल लिया और ये है फ्रंट पैनल। और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप ये फ्रंट पैनल को मदरबोर्ड से किस तरह जोड़ेंगे और सीपीयू का फैन किस तरह निकाल सकते हैं, हार्ड डिस्क, ये रैम और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लेट और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए।